गायक और संगीतकार अनूप नेगी द्वारा गाया और संगीतबद्ध शरण में प्रभु देव सेनानी कुमार कार्तिकेय की आरती गीत का कर्मा म्यूजिक प्रोडक्शन के बैनर तले कार्तिक स्वामी मंदिर समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह नेगी के कर कमलों से विमोचन हुआ। प्रभु शरण आरती के विमोचन पर जहां कार्तिक स्वामी मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की है, वहीं भगवान कार्तिक के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विमोचन के अवसर पर आरती के गायक और संगीतकार अनूप नेगी ने कहा कि भगवान कार्तिकेय की आरती को गाकर मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं भगवान कार्तिकेय की आरती गा पाया हूँ। इस वीडियो आरती के विमोचन पर उन्होंने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया है। तमाम सबसे पहले मंदिर समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और हमारे श्री व्यास जी वासुदेव थपलियाल जी का बहुत बहुत आभार करूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर पूरा सहयोग दिया, और साथ में अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इन्होंने इस गीत को प्रचार प्रसार के माध्यम से मेरा यहाँ पर सहयोग किया है। बहुत वक्त से मन में इच्छा थी कि मैं भगवान श्री कार्तिक स्वामी जी की ये आरती को एक संगीत दूं और इसको अपनी आवाज़ दूं, लेकिन काफ़ी टाइम से हो नहीं पाया था, लेकिन फाइनली यहाँ पे प्रभु कृपा से आज आप सभी लोगों के सामने ये आरती प्रस्तुत है। और भगवान श्री कार्तिक स्वामी जी जो कि यहाँ उत्तराखंड में क्रौंच पर्वत पर स्थित हैं, उत्तर भारत में एकमात्र मंदिर है और हमारे बहुत सारे गाँव का ही नहीं पूरे उत्तराखंड से लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं, और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को मेरा ये छोटा सा प्रयास जरूर पसंद आएगा और आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद की सीमा पर स्थित क्रौंच पर्वत कार्तिक स्वामी मंदिर में विश्व शांति और कल्याण के लिए विगत 5 जून से आगामी 15 जून तक महायज्ञ और केदारखंड स्कंद पुराण भव्य का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ को सम्पन्न करने के लिए मंदिर समिति ने आयोजक 262 गाँव के भक्तों से सहयोग की अपील की है। क्रौंच पर्वत कुमार लोग कार्तिक स्वयं में विगत 80 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ पर महायज्ञ ज्ञान यज्ञ विश्व शांति की कामना के लिए और क्षेत्रीय जनता की सुख समृद्धि की कामना के लिए अनवरत रूप से हम करते आ रहे हैं, जो कि इस वर्ष आज 5 जून से श्री गणेश हो गया है और ये 15 जून तक चलेगा। 15 जून को पूरा होने के साथ ये 11 दिवसीय महायज्ञ और ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। सारे माता बहनों से, सारे क्षेत्र जनता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक इस कुमार लोक कार्तिक स्वामी में आइए, पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए, और साथ ही साथ ये प्रार्थना ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वच्छता का भी ध्यान रखें, आप पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। यहाँ पर जो निरंतर रूप से प्रत्येक साल 5 जून से 15 जून तक यज्ञ चलता है प्रायः, तो इसमें जो है कभी से पुराण कभी ये, और इस साल जो है कि आज स्कंद पुराण का केदारखंड का वाचन होगा, जिसमें कि सबसे पहले जो वर्णन आता है वह इस सृष्टि का वर्णन है कि यह सृष्टि पहले कैसे जलमग्न थी और जलमग्न से के बाद जो है ब्रह्मादि देवताओं द्वारा इस सृष्टि का विस्तार हुआ है, जो और जो मैथुनी सृष्टि हुई है उस मैथुनी सृष्टि किस प्रकार से हुई उसका वर्णन इस स्कंद पुराण के केदारखंड के प्रारंभ में गाया गया है। भगवान कुमार कार्तिक रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद की सीमा में पड़ने वाली गांव 262 से अधिक गांव के भूमियाल और रक्षक देव माने जाते हैं। दक्षिण भारत में कार्तिक स्वामी को मुर्गन स्वामी के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर कार्तिक स्वामी मंदिर समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह नेगी, बलराम नेगी, कथावाचक वासुदेव थपलियाल समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। भानु प्रकाश नेगी, कुमार लोक कार्तिक मंदिर, क्रौंच पर्वत, रुद्रप्रयाग।